हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़े काम की बात की है कि अगर धन चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य चला गया तो समझो बहुत कुछ चला गया। दोस्तों, आप सभी को 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर मैं हमारे देश के सभी डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य मिशन में शामिल सभी दोस्तों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, उन्हें दिल से ढेरों शुभकामनाएं भेंट करता हूं। दोस्तों, आज के इस महामारी के दौर में हमें स्वास्थ्य की असल कीमत पता चली है। आज आप देखिए कि जब हमारे देश में ये महामारी आई तो देश एक तरह से रुक गया था, देश की जो गति थी वो एक तरह से रुक गई थी। हमारे देश में सब कुछ बंद कर दिया गया, स्कूल कॉलेज या जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थी सभी पर एक तरह से ताला लगा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया दोस्तों? क्योंकि बात हमारे स्वास्थ्य पर आ पड़ी थी। जब स्वास्थ्य की बात हो तो हमें सब कुछ भुलाना पड़ता है, सब कुछ बंद करना पड़ता है। अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल सही और दुरुस्त रखने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इस कोरोना के दौर में ये बातें बिल्कुल सही साबित हुई है। इससे पहले भी हम स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे, लेकिन इतना नहीं जितना इस महामारी के दौरान हमें हमारे स्वास्थ्य की कीमत पता चली है। असल में दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं तभी हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो दोस्तों, आज का ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये संदेश मिलता है कि हमारा ये शरीर, ये हमारा स्वस्थ शरीर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। शरीर में थोड़ी सी भी कमी आ जाए, शरीर के स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी गिरावट आ जाए, थोड़ा सा भी अगर हमें कहीं दर्द महसूस होता है या हमारा शरीर अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाता है तो हमारा काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इसलिए मैं दोस्तों कहूँगा कि हमारा ये शरीर जो हमें इस प्रकृति ने हमें भेंट किया है, ये अनमोल है, हमें इसकी रक्षा करनी है, हमें इसकी सुरक्षा करनी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि हम सभी ने हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को तो जान लिया, इसकी ओर तो ध्यान दे दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक और चीज़ है, और वो चीज़ है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से भी ऊपर आता है। आज हम शरीर की ओर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, अच्छे विटामिन वसा जितने हमारे शरीर को चाहिए सब हम ले रहे हैं, लेकिन जो असल स्वास्थ्य है वो है मानसिक स्वास्थ्य, उसकी ओर हमने कितना ध्यान दिया है? शायद बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, क्या करें इस मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए हम क्या करें? दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल पर आपको निरंतर ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी जो आपके मस्तिष्क को पॉजिटिव खुराक देगी, एक ऐसी खुराक जिसकी बदौलत आपका मस्तिष्क, आपका माइंड, आपका मन, आपका अवचेतन मन हमेशा एक सकारात्मक दिशा में बढ़ता रहेगा, और आप जब मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो शारीरिक रूप से भी आप निस्संदेह स्वस्थ होंगे और निरंतर आप आगे बढ़ते रहेंगे, काम करने में आपका मन लगेगा। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि इस स्वास्थ्य दिवस के ऊपर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दें, इसे भी दुरुस्त करें। इसे दुरुस्त रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ढेरों बहुत सारी चीज़ें हैं, वो निरंतर हम आने वाली वीडियोज़ में बताते रहेंगे। तो दोस्तों, आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। एक बार फिर से इस सृष्टि के तमाम डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य सेवाओं में जुड़े हुए तमाम दोस्तों को मैं दिल से शुभकामनाएं भेंट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, रियल डायमंड चैनल आपके लिए लेकर आया पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज एंकरिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग का 1 महीने का बड़ा ही बेहतरीन कोर्स, और अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। धन्यवाद।